नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से पांच छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों आप मार्शमेलो के बारे में कितना जानते हैं? मार्शमेलो जो आप अपने हॉट चॉकलेट के लिए स्टोर अलमारियों से खरीदते हैं, उनमें मुख्य रूप से चीनी, पानी और जिलेटिन होते हैं, जो एक शराबी बनावट में व्हिप्ड होते हैं। वहीं दूसरी ओर मार्शमेलो रूट एक पौधा है जो वास्तव में आपके गले की खराश में मदद कर सकता है। मार्शमेलो रूट को एल्थिया ऑफिसिनालिस एल के नाम से भी जाना जाता है। यह यूरोप और एशिया के साथ साथ अन्य हल्के जलवायु में भी पड़ता है। इसका उपयोग प्राचीन काल से एक उपाय के रूप में किया जाता रहा है। एक समय में मार्शमेलो रूट मार्शमेलो में एक घटक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप मार्शमेलो रूट को विभिन्न रूपों में पा सकते हैं, जिसमें चाय, सप्लीमेंट्स और लोजिंग शामिल है। कई अध्ययनों ने गले में खराश के साथ साथ अन्य स्थितियों पर मार्शमेलो रूट के प्रभावों की जांच की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वास्थ्य की स्थिति का इलाज करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण के बजाय मार्शमेलो रूट का उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब पता चला मार्शमेलो की उत्पत्ति कहाँ से और क्यों हुई थी। जैसे कि हमारे यहाँ विक्स की उत्पत्ति तो हुई थी, पहले तो यह विक्स काम करता था पर अब सिर्फ नाम का है। मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। दूसरा, दोस्तों क्या आप एस्ट्रिस के बारे में जानते हैं? एस्ट्रिस यहूदी लोक कथाओं की महिला पिशाच है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भू नागरिकों का शिकार करती थी। यह नाम फ्रांसीसी स्ट्रिक्स से निकला है, जो एक रात के उल्लू के लिए एक शब्द है। कुछ किताबों में उन्हें सकुब्बी के समान माना जाता है। दोनों को सुंदर खून की प्यासी महिला राक्षसों के रूप में चित्रित किया गया था। सकुब्बी ने बच्चों और छोटे बच्चों को शिकार के रूप में पसंद करने के लिए सोचा था। अन्य पिशाचों की तरह एस्ट्रिस को भी जीवित रहने के लिए खून पीने की जरूरत थी और पीड़ितों की अपनी पसंद में अधिक अंधाधुंध थे। कहा जाता है कि सकुबी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को ईर्ष्या या द्वेष से मारने के लिए और पुरुषों को बहकाने के लिए कहा जाता था। एस्ट्रिस जो सकुब्बी दोनों को मनुष्य के रूप में या आत्मा के रूप में प्रकट होने में सक्षम होने के लिए कहा गया था, लेकिन एस्ट्रिस को पक्षियों या बिल्लियों और विभिन्न अन्य जानवरों में बदलने में सक्षम के रूप में भी वर्णित किया गया था। तीसरा, दोस्तों क्या आप महाराष्ट्र के फायरफ्लाइज यानी जुगनू उत्सव के बारे में जानते हैं? यह एक जुगनू उत्सव ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए एक जादुई रात है। हमारी दुनिया कुछ और नहीं बल्कि अजीबों से भरी पड़ी है। यह सुपर विविध वनस्पतियों और जीवों या दुनिया भर के कुछ आश्चर्यजनक भौगोलिक क्षेत्र है जो प्रकृति के कई चमत्कारों से चकित करती है। जुगनू वे कीड़े हैं जिनके पीछे रोशनी चलती है। कई अन्य त्यौहार के विपरीत यह किसी विशेष तिथि को नहीं पड़ता है, लेकिन हम इस घटना को मॉनसून के आने से पहले मई के मध्य से जून के पहले सप्ताह तक देख सकते हैं, जिसे इन छोटे कीड़ों का संभोग मौसम भी माना जाता है। ये प्यारे छोटे कीड़े लाइट फ्लैश करके साथी को आकर्षित करते हैं। इन लिटिल फ्लाइंग एलईडी लाइट्स को देखने के लिए कई यात्रा समूह द्वारा हर साल कैंपिंग का आयोजन किया जाता है और इसे कई यात्री फायरफ्लाइज फेस्टिवल कहते हैं। यह लोनावला, नानेघाट, पुरुषवाड़ी, सिद्धगढ़ किला, कोठालीगढ़ किला, राजमाची किला, भंडारदरा बांध, हरिश्चंद्रगढ़, कलसुबाई वन क्षेत्र, घाटघर बांधा, समरद गांव आदि जैसे राज्य भर के अंधेरे स्थानों में फायरफ्लाइज को देखा जा सकता है। चौथा, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 70% घर की धूल वास्तव में मृत त्वचा यानी डेड स्किन सेल्स है? जी हाँ दोस्तों, हर सुबह आप या आपकी मेड घर में डस्टर, झाड़ू और पोछा लेकर सफाई करती होगी, मगर थोड़ी देर बाद घर में फिर से धूल आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में इतनी धूल कैसे आती है? वैज्ञानिकों के मुताबिक आपके शरीर की मृत कोशिकाएं भी घर की धूल का हिस्सा होती है।
इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के शोध के मुताबिक मानव शरीर से हर घंटे 20 करोड़ से ज्यादा डेड स्किन सेल्स झड़ती है। इस हिसाब से 24 घंटे में आपके शरीर से सैकड़ों करोड़ों डेड स्किन सेल झड़ जाती है, जिनका कुछ हिस्सा धूल में मिल जाता है। मानव शरीर से रोजाना जो करोड़ों स्किन सेल झड़ती है वो पानी के साथ बह जाती है या कपड़ों से चिपक जाती है। जब आप नहाते हैं या शेव करते हैं या बाहर से आने के बाद हाथ मुंह धोते हैं तो ये डेड स्किन सेल्स शरीर से निकल जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि इंसान के शरीर में प्राकृतिक रूप से तेल होता है जिसे स्क्वालेन कहते हैं, जो नेचुरल तरीके से त्वचा को नम रखता है और उसे सूखने नहीं देता है। पांचवा, दोस्तों क्या आप जानते हैं माचू पिचू भूकंप प्रूफ शहर है। पेरू में माचू पिचू का इंकानगढ़ अपने अद्भुत पत्थर के काम के लिए जाना जाता है, लेकिन एक नए अध्ययन से पता चलता है कि साइट पर कई संरचनाओं को कम से कम 2 भूकंपों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे बनाए जा रहे थे। उन झटकों ने न केवल दीवारों को नुकसान पहुंचाया बल्कि निर्माण तकनीकों में अचानक बदलाव भी शुरू कर दिया। माचू पिचू के 3 सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों का एक पुरातात्विक सर्वेक्षण क्षति के 140 से अधिक उदाहरणों का खुलासा करता है। इनमें पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक शामिल हैं जो स्थानांतरित हो गए हैं या जिनके कोने छिल गए हैं। इस नुकसान में से कुछ को मंदिरों के नीचे चट्टानों या मिट्टी के गिरने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन कई क्षतिग्रस्त ब्लॉकों की आवाजाही, जिसमें पत्थर के कुछ पूर्व इंटरलॉकिंग ब्लॉकों के बीच पर्याप्त अंतराल शामिल है, संभवतः कम से कम 2 प्रमुख भूकंपीय झटकों से प्रेरित थे। टीम ने निष्कर्ष निकाला ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्थर की दीवारों में एम्बेडेड ब्लॉकों के कोने पर देखा जाने वाला नुकसान केवल भूकंप के दौरान एक दूसरे के खिलाफ तालबद्ध रूप से होता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नई वीडियो पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।